हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू आवर क्लास ऑफ इंग्लिश एंड नाउ वी आर लर्निंग द क्वेश्चन आंसर ऑफ आवर चैप्टर व्हिच इज़ द किंगडम ऑफ फूल्स। सो इन द चैप्टर वी आर डूइंग नाउ क्वेश्चन आंसर। सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर यू ऑलरेडी लर्नड, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आंसर फ्रॉम 10th one, ठीक है। 10वें नंबर से स्टार्ट हो रही है हमारे क्वेश्चन आंसर। 9 तक आप पहले कर चुके हो। बट एव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, आई एम ए सन्यासी, मैं मासूम हूँ, मैं सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाता रहा। हु स्पोक दीज वर्ड्स एंड वेन, कौन बोला इन शब्दों को और क्यों। द डिसिपल हैड ग्रोन फैट बाई ईटिंग गुड एंड चीप फूड, भाई जो शिष्य था वो बहुत मोटा हो चुका था, ज़्यादा खा खा करके, सस्ता भोजन खा खा करके। ही हैड नो हैंड इन द डेथ ऑफ द बर्गलर, वास्तव में उस बर्गलर की, उस चोर की डेथ में उसका कोई दोष नहीं था। ही वॉज एन एसेटिक, वो क्या था, एक साधु संत था, ठीक है। स्टिल ही वॉज पिक्ड अप फॉर एग्जीक्यूशन, फिर भी उसको फांसी पे लटकाया जा रहा था। बिकॉज ही फिटेड द स्टैक, क्यों, क्योंकि उस फंदे पे अच्छे से फिट हो रहा था। द डिसिपल सेड दीज वर्ड्स वैन ही वॉज अरेस्टेड, तो ये शब्द डिसिपल ने बोले, उस शिष्य ने बोले जब उसको अरेस्ट किया गया था। हाउ डिड द गुरु मेक अ फूल ऑफ द किंग एट लास्ट, लास्ट में उस बुद्धिमान गुरु ने राजा को कैसे मूर्ख बनाया। सो द गुरु रश्ड टू द किंगडम ऑफ द फूल्स टू सेव द लाइफ ऑफ हिज इनोसेंट डिसिपल, भाई जो गुरु था वो किंगडम में भागा भागा आया। क्यों, उस फूल के, उस मूर्खों के राज्य में भागा भागाया क्यों, क्योंकि उसको अपने इनोसेंट डिसिपल की लाइफ बचानी थी। ही सेड ही शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, उसने कहा कि उसको सबसे पहले फांसी पे लटका दो। क्यों, बिकॉज ही वुड बी रिबॉर्न एज अ किंग, क्योंकि वो एक राजा के रूप में पैदा होगा। द फुलिश किंग सीक्रेटली ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर एग्जीक्यूशन, और उस मूर्ख राजा ने चुपचाप बिना किसी को बताए हुए अपने आप को एग्जीक्यूशन के हवाले कर दिया, अपने आप फांसी के फंदे पे लटक गया। क्यों, सो दैट हिज किंगडम डिड नॉट पास ऑन टू द गुरु, ताकि उसका साम्राज्य उस गुरु के हाथों में ना चला जाए। आफ्टर द एग्जीक्यूशन द किंग एंड हिज मिनिस्टर द गुरु एंड हिज डिसिपल ऑक्यूपाइड देयर प्लेस, भाई राजा और उसके मंत्री को फांसी पर लटकाने के बाद गुरु और उसके शिष्य को ही वो जगह मिल गई। सो वी हैव लर्नड आई थिंक सम ऑफ आर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब हम शुरू करेंगे अपने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर कॉल द स्टेट किंगडम ऑफ फूल, हमारा जो ऑथर है वो उस राज्य को किंगडम ऑफ फूल क्यों कह रहा है। गिव अ फ्यू इंस्टेंसेस, मतलब एग्जाम्पल दो कि राजा और मिनिस्टर कैसे फूलिश थे वो, ठीक है। सो द स्टेट वॉज कॉल्ड किंगडम ऑफ फूल्स, उसको हम मूर्खों का राज्य कह रहे हैं। क्यों, बिकॉज बोथ द किंग एंड हिज मिनिस्टर वर फूल्स, क्योंकि दोनों ही राजा और उसका मंत्री क्या है, मूर्ख है। सो दे वॉन्टेड टू रन थिंग्स इन देयर ऑन, अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहते हैं, और वो हिसाब कैसा है, बिल्कुल फुलिश वे है, बिल्कुल मूर्खों वाले तरीके से अपना चलाना चाहते हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके से, फर्स्ट दे ऑर्डर्ड दैट ऑल द मैन शुड स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट, पहले ऑर्डर दिया कि सारे आदमी दिन में सोएंगे और रात में जागेंगे। सेकेंडली दे फिक्स द सेम रेट फॉर एवरीथिंग, दूसरा उन्होंने क्या किया, पहला तो था कि सभी लोग दिन में सोएंगे और रात को जागेंगे, दूसरा कौन सा हुआ, सेकेंडली उन्होंने फिक्स कर दिया है एक ही रेट हर चीज़ के लिए, दैट इज वन डूडू एंड वन कुड बाय एनीथिंग फॉर वन डूडू। द किंग हर्ड एंड डिसाइडेड केस फुलिशली, राजा ने क्या किया, ये सब राजा सुनवाई करता था और सभी केस का निपटारा बड़े फुलिशली करता था। He changed his mind and his orders mindlessly. उसने क्या दिया, अपने दिमाग को थोड़ा सा बदल लिया और अपने ऑर्डर को भी बिना वजह से ही दे रहा था। जैसे कि एक केस में बता रहे हैं कि एक बर्गलर एक जो चोर था वो एक बार मर गया किसी मर्चेंट के घर पे। The innocent but fat disciple was arrested. तो उसकी जगह पे बिल्कुल मासूम लेकिन बेचारे मोटे से शिष्य को अरेस्ट कर लिया गया एग्जीक्यूशन के लिए। द गुरु मेड अ फूल ऑफ द किंग, और उस गुरु ने क्या किया, उस गुरु ने फिर उसी मूर्ख राजा का और ज़्यादा मूर्ख बना दिया, एंड द मिनिस्टर उसके मिनिस्टर को भी मूर्ख बनाया। द टू फुलिशली सेट फ्री द गुरु, ठीक है, एंड इज डिसिबल एंड एक्सेप्टेड डेथ है, तो दोनों ही मूर्खों ने गुरु और उसके डिसिबल को छोड़ दिया और अपनी डेथ को स्वीकार कर लिया। सो एज टू बी रिबॉर्न एज अ किंग एंड मिनिस्टर, ताकि वो दोबारा फिर से किंग और मिनिस्टर बन के पैदा हो सके। सो लगभग ये समराइजेशन ही है।
ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ गुरु एंड डिसिपल इन द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। दोनों के ऊपर आपने क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि कैरेक्टर स्केच लिखना है। द स्टोरी हैज़ फोर प्रिंसिपल कैरेक्टर, यानी कि इस कहानी में चार मुख्य किरदार हैं। कौन से? पहला तो है गुरु और मिनिस्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मूर्ख थे। दूसरा है डिसिपल, जो कि एक सॉरी तीसरा कौन है, डिसिपल है जो कि ग्रीडी ग्लूटोन है, एक लालची पेटू है, ठीक है। ओनली जो हमारा फोर्थ नंबर का गुरु है, ही वॉज ट्रूली वाइज, ठीक है। जो चौथे नंबर पे हमारा गुरु है वो ही वाइज है। तो वंस द गुरु अलोंग विद डिसिपल अराइव्ड इन द किंगडम ऑफ फूल्स, एक बार ये गुरु अपने शिष्य के साथ कहाँ पहुँच गया, किंगडम ऑफ फूल्स में पहुँच गया। दे वर डिलाइटेड बिकॉज फूड वॉज चीप, खुश थे क्योंकि फूड बहुत ज़्यादा, भोजन बहुत ज़्यादा चीप था। लेकिन वाइज गुरु रियलाइज्ड दैट फूलिश रूलर कुड बी डेंजरस, उसने रियलाइज किया कि भी मूर्ख राजा डेंजरस हो सकता है, इसलिए ही सजेस्टेड हिज डिसिपल दैट दे शुड लीव द प्लेस। इसलिए उसने सजेस्ट किया अपने शिष्य को कि वे चलो इस जगह को छोड़ चलते हैं। बट द ग्रीडी डिसिपल पेड नो हेयर टू द एडवाइस ऑफ द फार साइटेड गुरु, लेकिन मूर्ख ग्रीडी डिसिपल ने कोई ध्यान नहीं दिया अपने उस दूरदर्शी गुरु की एडवाइस पे। फार साइटेड एक वर्ड आया यहाँ पे, फार साइटेड का मतलब क्या है, जो दूर की बातें सोच सकता है। हु लेफ्ट द प्लेस, ठीक है, वो जो कि जगह छोड़ के जा चुका था अब। सो द फैट डिसिपल वॉज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, अब उस मोटे से शीशे को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। नाउ ही रिमेंबर्ड हिज द गुरुज वर्ड एंड द गुरु अराइव्ड एंड सेव्ड हिज लाइफ, और गुरु क्या हुआ, वहाँ पहुँच गया, उसकी ज़िंदगी को भी बचा लिया। हाउ डिड द किंग फाइनली आइडेंटिफाई द रियल कल्प्रिट, राजा को असली कल्प्रिट कैसे मिला। द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ बर्गलर, जो कि बर्गलर की, जो कि चोर की मौत का जिम्मेदार था। वही मर्चेंट वाला सारा इंसिडेंट बता देना है कि वन डे अ थीफ ब्रोक इन टू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन एक चोर था वो एक रिच मर्चेंट के घर पर आया। एज ही वॉज गेटिंग आउट ऑफ द होल इन द वॉल, जैसे ही वो घर की जो दीवार थी उसके होल से बाहर निकल रहा था, द वॉल फेल ऑन हिज हेड, वो दीवार उसके सिर पे गिर गई, एंड ही डाइड, और वो मर गया। हिज ब्रदर कंप्लेन टू द किंग, उसके भाई ने कंप्लेन किया, किसको, राजा को कंप्लेन किया था, ठीक है। एंड ही ब्लेम्ड मर्चेंट, और मर्चेंट को उसने ब्लेम किया है, ठीक है, फॉर सच अ वीक वॉल, की इतनी कमजोर दीवार बना डाली है और इसी की वजह से मेरे भाई की डेथ हुई है। द किंग डिक्लेयर्ड, राजा ने डिक्लेयर किया दैट जस्टिस वुड बी डन, कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। और देखो कैसे न्याय करता है, कि ही फर्स्ट सेंट फॉर द मर्चेंट, पहले बुलाया मर्चेंट को, उससे क्वेश्चनिंग की, ठीक है। द मर्चेंट ब्लेम्ड द मैसन, दूसरे नंबर पे मर्चेंट ने तो अपना दोष मैसन पे डाल दिया, ठीक है, फॉर मेकिंग सच अ पुअर क्वालिटी ऑफ वॉल, कि उसने इतनी पुअर क्वालिटी की दीवार बनाई है। उसने ब्रिकलेयर यानी कि मैसन ने ब्लेम किया एक डांसिंग गर्ल को, कि डांसिंग गर्ल उसके अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए दीवार खराब बन गई। डांसिंग गर्ल पास ऑन द ब्लेम, डांसिंग गर्ल ने ब्लेम को पास किया गोल्ड स्मिथ पे, ठीक है, जिसको एक रिच मर्चेंट, जिसने एक रिच मर्चेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाया है, ठीक है। इसीलिए किंग ने आइडेंटिफाई कर लिया है असली कल्प्रिट को, लेकिन कल्प्रिट कौन था, मर्चेंट, लेकिन मर्चेंट वॉज टू थिन फॉर द फिट स्टैक, मर्चेंट इतना पतला, इतना कि उसके अंदर वो फंदा फिट ही नहीं हो रहा था, इसीलिए एक मोटे से डिसिपल को, एक शिष्य को ले जाया गया फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ एंड बी फूल द किंग, कौन सी ट्रिक, कौन सी चाल चली गुरु ने अपने डिसिपल की लाइफ को बचाने के लिए, उसको मूर्ख राजा से बचाने के लिए। सो डिसिपल तो इनोसेंट था ही, सन्यासी था वो, स्टिल ही वॉज चूजन फॉर एग्जीक्यूशन, फिर भी उसको फांसी पे लटकाया जा रहा था, बिकॉज ही वॉज फैट इनफ टू फिट द स्टैक, क्योंकि इतना मोटा था कि फंदे में फिट हो रहा था। पुअर फेलो रिमेंबर्ड हिज गुरु इन हिज हार्ट, तो बेचारे उस फेलो ने, शिष्य ने मन ही मन में अपने गुरु को याद किया। द गुरु रश टू हिज डिसिपल्स रेस्क्यू, और गुरु उसको बचाने के लिए आ गया, क्योंकि ये मैजिक पावर थी जिससे वो दोनों बंधे हुए थे और कभी भी वो जो डिसिपल था अपने गुरु को याद कर सकता था। सो द गुरु प्लेड अ ट्रिक एंड मेड अ सीक्रेट प्लान टू बी फूल द किंग, इसीलिए गुरु ने क्या किया, चाल चली और उस किंग को फूल बनाने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया। क्या प्लान था वो, कि ही इंसिस्टेड ऑन बींग एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, उसने दबाव डाला कि पहले उसको फांसी दे दो। डिसिपल भी यही कर रहा था, ही वॉन्टेड टू डाई फर्स्ट, वो भी पहले मरना चाहता था। दिस इंट्रीक्यूट द किंग, इससे किंग जाल में फंस गया, ठीक है, सरप्राइज हो गया। ही कॉल्ड द गुरु टू एक्सप्लेन द मिस्ट्री, उसने गुरु को बुलाया और बोला कि भाई ये क्या रहस्य, इसको मुझे एक्सप्लेन करो। फिर गुरु ने बताया दैट द वन हु डाइड फर्स्ट ऑन दैट स्टैक ऑफ जस्टिस वुड बी रिबॉर्न एज किंग ऑफ स्टेट,
कि भाई जो भी इस न्याय के फंदे पे पहले लटकाएगा, पहले मरेगा, वो राजा के रूप में पैदा होगा। द सेकेंड टू डाई ऑन इट वुड बी द फ्यूचर मिनिस्टर। जो दूसरे नंबर पे मरेगा वो फ्यूचर में क्या बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। सो द किंग टुक द बेट, और इस लालच को किंग ने स्वीकार कर लिया। बेट का मतलब क्या होता है, ग्रीड, लालच। ही एंड हिज मिनिस्टर सेट फ्री द गुरु। तो इस तरह से उसने और उसकी मिनिस्टर ने गुरु और उसके डिसिपल को फ्री कर दिया, एंड एम्ब्रेस डेथ देमसेल्फ, और खुद मर गए। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। स्टिल इफ यू फील सम प्रॉब्लम देन आस्क मी। टिल देन थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।